आज बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के फैलने की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया, उसी में तालीमी इदारे भी बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार बंद हैं। ऐसी सूरत में मदरसा में पढ़ने वाले 10 लाख तालिबे इल्म, 4000 मदरसे और 15000 भी मुतासिर हैं। बच्चों को तालीमी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएं और उसको सोशल मीडिया के ज़रिए से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जूम के ज़रिए तमाम बच्चों को जोड़कर, असातिज़ा कराम को जोड़कर तालीमी एक्टिविटीज़ को जारी किए जाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुबह बिहार के तमाम 4000 मदारिस के पढ़ने वाले 10 लाख बच्चे और 15000 असातिज़ा फ़ायदा हासिल करेंगे। हाँ बच्चों, आज आप दर्जा दोयम का पहला क्लास आपका है, जिसको तालीमुल इस्लाम हिस्सा दोयम बोलते हैं। पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि इस्लाम की बुनियादी चीजें क्या है। आज हम उसको तफसील से आपको बताने जा रहे हैं और ये सिलसिला पहले क्लास से आगे तक किसी तरह मदरसा बोर्ड की तरफ से आपको नुमाइंदगी और रहनुमाई की जाती रहेगी। आज के क्लास में सवाल है कि इस्लाम की बुनियादी चीजें कितनी हैं। इसका जवाब है, इस्लाम की बुनियादी चीजें 5 हैं। पहला तौहीद, दूसरा हज, रोजा, नमाज और जकात। तो ये बुनियादी चीजों का नाम आप तो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम तौहीद के मौजू को थोड़ा तफसील से बात करेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है तौहीद के बारे में कि अल्लाह ताला को एक मानना यकीन के साथ, यही तौहीद है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है, जिसका मानी होता है कि दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। तौहीद का यही मतलब होता है। और आपका कलमा तैयबा जो है, पहला कलमा जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस पहले कलमे का पहला लाइन जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तौहीद को साबित करने के लिए है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद दुनिया में नहीं है। ये इसका दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने बड़ों से भी सीखा होगा और क्लास में भी सीखा होगा कि अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ जमानों में अभी तक, यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लगभग 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा गया है, जिसमें पहले पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसके बाद क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो यही दो चीजें हैं तौहीद में शामिल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलमे तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल यही तौहीद को साबित करता है। और इस तौहीद को समझने के बाद उस पर यकीन भी करना है कि अल्लाह एक ही है, और अमली जिंदगी में भी आपको यही साबित करना है। यही वजह है कि इस्लाम का पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये बुनियादी 5 चीजों में पहला जो तौहीद है, हम आज तौहीद को ही पूरे तौर पर जानेंगे कि जब तौहीद को हम समझ लिया तो हमको किन किन चीजों पर ईमान लाना है। तो इसमें पहली बात है कि वो ईमान मुजमल है, यानी मजमूई ईमान, आमन तो बिल्ला है
आमन तो बिल्ला है कमा हुआ वे असमा ही व सिफात ही व कबिल तो जमिया अकान ही, यानी मैं ईमान लाया। आपने पहला कलमा पढ़ा और ये दूसरा कलमा है जिसको कलमा शहादत कहते हैं। पहला कलमा तैयब है, दूसरा कलमा शहादत है जो जिसको हम पढ़ते हैं इस तरह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और ये भी सवाल होता है क्या बगैर मानिया मतलब समझे सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है? तो नहीं, कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता है, इसलिए कि कलमा को पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ लेगा, कलमा को पढ़ने के बाद उन तमाम चीजों पर दिल से यकीन करना और जबान से इकरार करना, इसी का नाम ईमान है, कलमा शहादत भी है। तो इस तौहीद को समझने के लिए कलमा तैयबा और कलमा शहादत को समझना जरूरी है, जो पहले आप जान चुके हैं। दूसरा कलमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी कलमा शहादत, ये आपके ईमान का हिस्सा है। और तौहीद के जमने में ये भी आता है कि हम अल्लाह के वजूद के साथ उसके पैगंबर के वजूद को समझें और इस बात पर यकीन रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसी बात को वो ईमान मुजमल हमको बताता है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जैसा कि उसके तमाम सफाती नाम है और उसके तमाम अहकाम पर, यानी जो भी अहकाम अल्लाह ताला ने कुरान या हदीस के जरिए हमको दिया है, ये सब के सब के अहकाम पर ईमान लाना और उस पर अमल करना, ये हमारे तौहीद का मजमूई तारीफ है। और इसी तरह फिर आगे मदरसा बोर्ड की तरफ से आपकी रहनुमाई ऊंचे दर्जात में की जाती रहेगी, हर चैप्टर में आप ऑनलाइन मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर खोल के उसको देख सकते हैं और उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।